शालोम, पाम संडे के संदेश में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का अध्ययन है पाम संडे, खजूर रविवार के दिन के संदेश को हम आपके साथ बांटेंगे। आइए कुछ बातों का मनन करेंगे। ये खजूर रविवार मसीह लोग मनाती हैं उत्सव के रूप में। यह यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के विजयी प्रवेश की याद दिलाता है, जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सम्मान के संकेत के रूप में प्रभु यीशु मसीह जी के सामने डालियां बिछाई। खजूर रविवार उस निस्वार्थ प्रेम को याद दिलाता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन देकर दिखाया था। यह स्वयं के जीवन पर विचार करने का समय है कि हम अपना प्रेम लोगों के लिए कैसे दिखा सकते हैं। यह दिन उस दिन को याद दिलाता है जब प्रभु यीशु मसीह जी ने उद्धारकर्ता राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में आए, एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने सड़क पर खजूर की डालियां और अपने कपड़े बिछाकर प्रभु की होशन्ना करने लगे, उन्हें राज्य की सम्मान देने लगे। सैकड़ों लोग चिल्ला उठे, दाऊद के पुत्र की होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, सर्वोच्च स्वर्ग में होशन्ना। इस बारे में बाइबल में कहां पर पाया जाता है हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 28 पद से लेके हम 40 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुँचा तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुँचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु का इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़ी शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आइए हम आज पांच और बातों का भी मनन करेंगे और सीखेंगे कि ये पाम संडे हमें किस बात की याद दिलाता है। पाम संडे में पांच बातें हम सीखेंगे जो याद दिलाती हैं कि मसीह का एक राजा के रूप में होना। आइए हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहली चीज हम सीखेंगे, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब यीशु शहर में प्रवेश कर रहे थे तो लोगों ने खजूर की डालियां काटी, उन्हें हवा में लहराया और प्रभु यीशु मसीह के सामने जमीन पर बिछा दिया। खजूर की शाखाएं डालियां अच्छाई और जीत का प्रतिनिधित्व करती थीं और उस अंतिम जीत का प्रतीक थी जिसे वह जल्दी ही मृत्यु पर पूरा करेगा।
आइए हम वचन इसके साथ देखेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद संख्या 54 और 55। और जब वह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? और हम दूसरी बात सीखेंगे कि यीशु ने गधे पर सवारी करना चुना, जिसने सीधे तौर पर जो कि पुरानी नियम की भविष्यवाणी को पूरा किया। और बाइबिल के समय में राजाओं या महत्वपूर्ण लोगों का गधे पर सवार होकर जुलूस निकालना आम बात थी। गधा शांति का प्रतीक है, इसलिए जिन लोगों ने उसकी सवारी करना चुना, उन्होंने दिखाया कि वे शांतिपूर्ण इरादों के साथ आए थे। यीशु ने तब भी हमें याद दिलाया कि वह शांति का राजकुमार है। आइए हम वचन अध्ययन करेंगे। जकर्याह की किताब अध्याय 9 पद संख्या 9। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है और दीन है, और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तीसरी बात हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारे राजा के रूप में है। जब लोग चिल्लाए होशन्ना, वे राजा के रूप में मसीह की जय जयकार कर रहे थे। उस शब्द का अर्थ है अभी बचाओ। और यद्यपि उनके मन में वे एक संसारिक राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे, परमेश्वर के पास उन सभी के लिए सच्चा उद्धार लाने का एक अलग तरीका था जो उस पर भरोसा करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 118 पद संख्या 26। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। और हम पढ़ेंगे एक और पद का मनन करेंगे, रोमियो अध्याय 10 पद संख्या 9। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आइए हम अगली बात सीखेंगे। चौथी बात हम सीखेंगे, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु यरूशलेम के लिए रोए। क्षण भर की प्रशंसा के बीच वह अपने दिल में जानता था कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब ये वही लोग उससे मुंह मोड़ लेंगे, उसे धोखा देंगे और उसे क्रूस पर चढ़ा देंगे। इस वास्तविकता से उनका दिल टूट गया कि उन्हें एक उद्धारकर्ता की कितनी आवश्यकता थी। पद संख्या देखेंगे लूका की किताब उसका 19 अध्याय और उसका 41 वचन। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता तू, हाँ तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आँखों से छिप गईं। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह रोते हैं। पांचवी बात हम सीखेंगे, पाम संडे हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य की कल्पनाओं, उसकी योजनाओं से कहीं अधिक महान है। और हम सीखेंगे कि परमेश्वर के पास मृत्यु पर अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए अपने पुत्र को भेजने की अंतिम योजना थी। यही महानता है कि हम इस सप्ताह को क्यों मनाते हैं। मसीह के सर्वोच्च बलिदान के कारण हम मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। आइए हम इसके साथ वचन का अध्ययन भी करेंगे, जो कि हुन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 25 वचन। यीशु ने उससे कहा,
पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।